ब्रेक आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग द्वारा मॉनसून के दौरान पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। पूरे प्रदेश भर से जन भागीदारी से 25 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी शुरुआत 19 जुलाई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के पनारसा से करेंगे। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग द्वारा मानसून के दौरान 20 से 24 जुलाई तक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में जन भागीदारी से 25 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी शुरुआत 19 जुलाई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के पनारसा से करेंगे। अभियान के तहत रामपुर वन वृत्त के अंतर्गत 4 वन मंडलों में किन्नौर, रामपुर, कोटगढ़, कुल्लू जिला के आनी में 2,71,000 पौधे रोपे जाएंगे। इस कार्य को 4 दिनों के भीतर 64 स्थानों पर अंजाम दिया जाएगा। पौधारोपण के तहत इस दौरान 4 वन मंडलों में 287 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण किया जाएगा। इससे पूर्व पौधारोपण वाले क्षेत्रों में बाड़ बंदी व पौधों के गड्ढे बनाने आदि कार्य वन विभाग ने पूर्ण कर लिया है। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्य अन्यपाल रामपुर ठाकुर ने बताया कि पौधारोपण के दौरान शीशम, कैंथ, दाड़ू, देवदार, कचनार, चुल्ली, जामुन, आंवला, पॉपुलर, अखरोट, बिलो, ब्यूल आदि के पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित क्षेत्र के पंचायतों, महिला मंडलों, युवक मंडलों व सांझा वन समितियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वन एवं पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने के लिए इस पौधारोपण कार्य में हिस्सा लें। में सभी महिला मंडल, युवक मंडल, पंचायतों के प्रतिनिधि और सभी प्रबुद्ध नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी सभी आमंत्रित हैं। ये इन क्षेत्रों में आएं और पौधरोपण करें। इन पौधरोपणों के बारे में विस्तृत जानकारी हर एक व्यक्ति संबंधित वन अधिकारी या निकट के कर्मजीवन कर्मचारी से प्राप्त कर सकता है। सबसे अनुरोध है कि इस अभियान में पढ़ चढ़ के भाग लें और वन व पर्यावरण के संरक्षण में अपना सहयोग दें।